नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास है BSc सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर पर। ये क्वेश्चन पेपर है अवध विश्वविद्यालय का, यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का यह क्वेश्चन पेपर है। 2022 और 23 सत्र में ये पेपर आयोजित हुआ था। जिन्होंने फिजिक्स दोस्तों मेजर और माइनर विषय के रूप में चूज किया है, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ये पाठ्यक्रम संचालित किया गया, जिसके तहत ये परीक्षा संचालित हुई है। तो ऐसे छात्र छात्राएं जिनका लिखित एग्जाम होना है और जिन्होंने मेजर और माइनर विषय फिजिक्स को चूज किया है, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। दोस्तों, आपका जो पेपर टाइटल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। ये फिजिक्स का पेपर टाइटल है, जिसमें दोस्तों पार्ट ए में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है और पार्ट बी में आपका है मॉडर्न ऑप्टिक्स। ठीक है, अब टोटल 8 यूनिट थे और 8 यूनिट से ये क्वेश्चन पेपर है, 8 यूनिट से रिलेटेड यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आज किस क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे 2023-22-23 सत्र में, और कौन सा ऐसा प्रश्न है जो रिपीटेड है, जो इस बार आपके एग्जाम में यानी 23-24 सत्र में आने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, 2 घंटे का समय दिया जा रहा, थोड़ा सा यही गलत हो रहा है स्टूडेंट के साथ, क्योंकि जब 3 घंटे का समय होता था तो आप लोग कॉपी बहुत अच्छे ढंग से लिख पाते थे। समय कम कर दिया गया है, ये थोड़ा सा यूनिवर्सिटी को 3 घंटे का समय देना चाहिए, ये गलत है स्टूडेंट के साथ, और मैंने इस पर मेल भी किया था। ठीक है, लेकिन अब फिलहाल वो यूनिवर्सिटी का निर्णय है। लगभग सभी यूनिवर्सिटी में NEP के अकॉर्डिंग 2 ही घंटे का समय दिया जा रहा है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 मार्क्स है। ठीक है, 75 नंबर का आपका ये पेपर होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ए वाले सेक्शन में वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना रहता है दोस्तों। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 10 क्वेश्चन के जो आंसर आपको देने हैं वो 50 शब्दों में। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी 3×10=30। पहले 20 नंबर का सेक्शन होता था, समय जब कम कर दिया गया तो नंबर आपके ज़्यादा कर दिए गए। एक काम तो अच्छा हुआ यहाँ पर, ठीक है, ये समझने वाली बात है। पहले 20 नंबर का ये होता था, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता था, अब दोस्तों 3 नंबर का क्वेश्चन है और 10 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स यूनिट। विद्युत आवेश क्या है और इसका SI मात्रक क्या होता है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो हालांकि इलेक्ट्रिक चार्ज आपको तक तैयार करना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, तो वेरी शॉर्ट टाइम में ये पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर बी आपका है दोस्तों, जो कि पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स राइट इट्स यूनिट। विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक क्या है। तो भाई, विद्युत फ्लक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, SI मात्रक तो यहाँ पूछ लिया गया, हो सकता है इस बार ना पूछा जाए, लेकिन विद्युत फ्लक्स आपसे जरूर पूछा जाएगा। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है, पूरा के पूरे टॉपिक को कवर करके जाना है। सी नंबर है दोस्तों, यहाँ पर डिफाइन द मैग्नेटोस्टेटिक्स पूछा गया है कि चुंबकत्व को परिभाषित कीजिए। ठीक है, चुंबकत्व क्या है, चुंबकत्व को परिभाषित कीजिए, तो ये भी प्रश्न रिपीटेड हैं और इस बार आपके एग्जाम में आने को मिलेगा, ये रिपीटेड प्रश्न है। डी नंबर प्रश्न है स्टेट द लॉरेंट्ज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेंज का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या है, ये नियम आपको लिखना है। लेंज का नियम पूछा जाता रहता है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो लेंज का जो नियम है इसको आप तैयार कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सभी विश्वविद्यालय के लिए है दोस्तों, ओके। चलिए, ई नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा क्या गया है, राइट डाउन द वेव इक्वेशन ऑफ ई एंड एच इन द फ्री स्पेस। निर्वात में ई और एच के लिए तरंग का समीकरण क्या है। ये क्वेश्चन 2000
21 और 22 सत्र में भी पूछा गया था जब NEP लागू नहीं था। ठीक है, तो निर्यात में ई और एच के लिए समीकरण क्या है इसको आप तैयार करके जाइएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और शॉर्ट ही सेक्शन में पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि पूछा गया है, डिफाइन द सेल्फ इंडक्शन, स्व प्रेरण को परिभाषित कीजिए। स्व प्रेरण क्या होता है, स्व प्रेरण की अवधारणा क्या है या स्व प्रेरण होता क्या है, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको तैयार कर लेना है, सेल्फ इंडक्टेंस पूछे जाने की संभावना है। इसलिए है क्योंकि यहाँ ये ज़्यादातर पूछा जाता रहता है, यहाँ पर वही प्रश्न पूछे गए जो मैंने आप लोग को बताया था। जी नंबर वाला प्रश्न देखिए पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय द कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। भाई कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार एग्जाम में आपसे पूछा भी जाएगा, आप किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट आप जरूर तैयार करके जाइएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BBIP यह प्रश्न है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है जो कि पूछा गया है दोस्तों, एच नंबर, व्हाट इज द फ्रिजनल जोन प्लेट, फ्रिजनल की जोन प्लेट क्या है ये आपको बताना रहेगा। आपको बता दें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड लेज़र ऑप्टिक्स आपका पेपर है, ये फिजिक्स जो थर्ड सेमेस्टर में है, इसमें दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आज आपको जो एकदम से 100% कन्फर्म होते हैं हर बार, यानी कि हर सत्र में। ये कोई नहीं कि 2022 में पूछा गया तो 23 में नहीं पूछा जाएगा, सेम क्वेश्चन 2022, 23, 24, 25 ऐसे ही पूछा जाता रहेगा, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, पूरे टॉपिक के सबसे टफ क्वेश्चन वही होते हैं, तो इसलिए हमेशा पूछे जाते हैं। तो एच नंबर प्रश्न देखिए, जो फ्रिजनल जोन प्लेट है ये शॉर्ट सेक्शन में पूछा जाता था पहले, वेरी शॉर्ट में नहीं आता था, शॉर्ट सेक्शन में। तो हो सकता है इस बार शॉर्ट में पूछ लिया जाए कि फ्रिजनल की जोन प्लेट क्या है, तो आपको इसको तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका अगला है, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ पोलराइज लाइट ऑफ वेव, ध्रुवित प्रकाश तरंग के कोई दो गुण लिखिए। अब यहाँ पर पोलराइज लाइट ऑफ वेव पूछा गया, प्रॉपर्टी पूछ ली गई है, और जब लॉन्ग टाइम में पूछेगा यानी बी वाले सेक्शन में पूछेगा तो पूछेगा व्हाट इज पोलराइजेशन, डिस्कस द पोलराइजेशन लाइट ऑफ वेव। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जब आप पोलराइजेशन पढ़ेंगे तो आपका ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जो लास्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, वो है व्हाट इज द फेरोमैग्नीशियम। ठीक है, फेरोमैग्नीशियम, पैरामैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है और इस बार पूछ लिया गया, ये ध्यान दीजिएगा, ये रिपीटेड हैं, इसको आप नोट कर लीजिए और शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी पूछा जा सकता है, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्न में से दोस्तों 8 प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम कन्फर्म है इस बार पूछे जाना, आल विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी के पार्ट को, कि सेक्शन बी में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, ईच ऑफ आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट बी मोर देन 150 वर्ड। देखिए समय जब कम किया गया, आप देखेंगे पहले 200 शब्दों में इसका आंसर आपको करना होता था सेक्शन बी वाले का। ठीक है, अब यहाँ पर 150 शब्द कर दिया गया और पहले 5 क्वेश्चन हल करना होता था, अब क्या कर दिया गया, 4 क्वेश्चन। अब केवल और केवल 4 क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है, पहले था 5 क्वेश्चन थे, प्रत्येक का उत्तर 200 शब्दों में देना होता था, लेकिन अब आपके केवल और केवल 4 क्वेश्चन ही हल करने हैं और 150 शब्दों में उत्तर देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का भाई, 6 नंबर का, 24 नंबर का ये सेक्शन है। चलिए पहला प्रश्न है, स्टेट द गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड यूज टू द ड्राइव द कूलॉम लॉ। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम को लिखिए और इसका प्रयोग करते हुए कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया, अब ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, रिपीटेड इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर पहला तो हो गया गॉस लॉ और दूसरा हो गया कूलॉम लॉ, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, दोनों में से एक पूछा जाता है, यहाँ तो कॉम्बिनेशन ही पूछ लिया गया है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम को लिखिए और इसका प्रयोग करते हुए कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। तो ये दूसरा प्रश्न भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और रिपीटेड है और इस बार एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा, इसलिए गॉस लॉ और कूलॉम लॉ तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3,
जिसमें पूछा गया है, स्टेट एंड प्रूव द एम्पियर सर्कुटन लॉ यूज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एम्पियर सर्किटल नियम को लिखिए और सिद्ध कीजिए कि इसका प्रयोग करते हुए एक लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी व्याख्या आपको करनी है। हालांकि आप टोटल प्रश्न नहीं तैयार करेंगे तो आपको इतना तैयार करना आवश्यक है, स्टेट एंड प्रूव द एम्पियर सर्कुटन लॉ। ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वीवीआईपी प्रश्न है, तो आपको इसको तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप सबको ये वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चौथा प्रश्न देखिए, जिसमें पूछा गया है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों, मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पर फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और इस बार पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, यहाँ पर 2023 सेक्शन में पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा 2023-24 वाले में भी, बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, पांचवा प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कंडक्शन टू गेट द सस्टेंडेड इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ लाइट। आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं या प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। सतत व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त हेतु शर्तों को लिखिए और समझाइए। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआईपी प्रश्न भाई, ये रिपीटेड हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक का जितना भी पार्ट है आपके फिजिक्स में, उसमें क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी आएगा या अभी आएगा। आप कह रहे हैं सब, आप क्वेश्चन तो सारे क्वेश्चन तो बता ही रहे हैं कि ये सारे आएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर देखते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दो वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखते हुए बताना पड़ रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये इस बार आएंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू मीन बाई द रिजोल्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, स्टेट एंड एक्सप्लेन द रिलीजेंस सर्टन फॉर रिलीजन। ठीक है, अब यहाँ पर रिलीजेंस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता रहता है। हिंदी में पूछा गया है कि किसी यंत्र की विभेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं, और विभेदन क्षमता के रेले के मानक दंड का उल्लेख कीजिए और समझाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं और ये रिपीटेड तो नहीं कह सकता लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, इस बार पूछे जाएंगे। सातवां प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है, डिस्कस द फॉर्नहॉफर डिफ्रेक्शन एट ए सिंगल स्लिट। ठीक है, एकल स्लिट पर फॉर्नहॉफर विवर्तन की विवेचना कीजिए। पूछा गया है भाई कि एकल स्लिट पर जो फॉर्नहॉफर विवर्तन की विवेचना कीजिए, इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सातवां प्रश्न ध्यान दीजिएगा, सभी लोग समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप देखेंगे उठा करके इलेक्ट्रॉनिक का टॉपिक यानी कि पार्ट ए में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, इसमें बहुत ज़्यादातर प्रश्न हैं और रिपीटेड हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है, राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र बीम एंड इट्स एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड ऑफ मॉडर्न साइंस। लेज़र पुंज के अभिलाक्षणिक गुणों को आधुनिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में इनके अनुप्रयोग को लिखिए। देखिए, लेज़र बीम पूछा गया है, लेकिन लेज़र से क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी लॉन्ग टाइप में। ठीक है, तो लेज़र के पुंज के अभिलाक्षणिक गुणों को आपको बताना है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये आठवां प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। आठ प्रश्न हैं, आठ में से दोस्तों 6 प्रश्न आपके ऐसे हैं जो इस बार भी पूछे जाएंगे, सेम यही प्रश्न इस बार भी आपके एग्जाम में आएगा। ओके, चले अब सेक्शन सी के प्रश्न की व्याख्या कर लेते हैं। सेक्शन सी में दोस्तों क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट बी मोर देन 450 वर्ड्स, यानी 450 शब्दों में इसका आंसर देना है, पहले 500 शब्दों में देना होता था, और अब 10.5 नंबर का है, पहले 10 नंबर का ये आपका सेक्शन होता था। दोस्तों मैं बता दूं, मेरा जो अनुभव रहा है, जैसा कि जब हम लोग बीएससी में थे
ठीक है, तो मैं अपना अनुभव यहाँ पर बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक का ऐसा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक, जिन पर दोस्तों आपके बहुत ही फिक्स क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसमें आपको जितने भी प्रश्न देखने को मिलेंगे वो रिपीटेड हैं। जब एग्ज़ाम आता था तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक को इसके डायग्राम को तैयार करते थे और डायग्राम तैयार करके पूरे के पूरे फिजिक्स को तैयार कर लेते थे, क्योंकि हमारे पास लगभग लगभग 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर होते थे और उन क्वेश्चन पेपर को देख करके तैयार करते थे। क्योंकि जब हम देखते थे पेपर उठा करके तो सभी में लगभग हर वर्ष रिपीट ही होता रहता था 60% क्वेश्चन। जैसे देखिए ये 2023 सत्र का क्वेश्चन पेपर है ना, अभी आप जब 24 वाला देंगे 2023-24 का, तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर और जो आपका 24 वाला पेपर रहेगा लगभग लगभग यहाँ से दोस्तों 65%+ क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस बेस पर तैयारी अच्छी हो जाती थी। और फिलहाल आप लोग भी इसी तरह से करिए, जो मैं बता रहा हूँ ये आप तैयार करके जाइएगा, 100% ये एग्ज़ाम में आएगा। तो लॉन्ग टाइम के प्रश्न की चर्चा करते हैं कि लॉन्ग टाइम में कौन सा प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था लॉन्ग टाइम में, ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर्स ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज विथ टोटल चार्ज क्यू, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट द पॉइंट पी विच लाइज। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है आउटपुट ऑफ स्पेयर्स, दूसरा है ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेयर, ठीक है, ऑफ द स्पेयर और इनसाइड द स्पेयर। पूछा गया था क्वेश्चन कि आर त्रिज्या का गैर संवाहक ठोस गोला सामान्य रूप से कुल आवेश क्यू के आवेशित है और वैद्युत क्षेत्र ई की बिंदु पी पर गणना कीजिए जो कि स्थित है गोले के बाहर स्थित है, गोले के सतह पर, गोले के अंदर। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं, इसको आप छोड़ दीजिएगा, मत तैयार कीजिएगा, ये आपके एग्जाम में रिपीटेड नहीं है, ठीक है। दसवां प्रश्न आपका है जिसमें है स्टेट एंड प्रूव द पॉइंटिंग थ्योरम इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन आपके लिए रिपीटेड है, पॉइंटिंग वेक्टर और पॉइंटिंग थ्योरम ये दोनों पूछे जाते हैं। वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में पॉइंटिंग प्रमेय को बताइए और सिद्ध करिए, ठीक है। तो ये दसवां प्रश्न है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। दसवां प्रश्न सबसे इम्पॉर्टेंट है, पॉइंटिंग ये जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि रामबाण प्रश्न है, इसको पहले आप लिख दीजिए भाई, रामबाण प्रश्न है और 10 नंबर आपका पक्का, 10 नंबर क्या हो जाएगा पक्का। क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, हाउ इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। माइकलसन इंटरफेरोमीटर की बनावट और क्रियाविधि की विवेचना कीजिए। इसका उपयोग एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने में किस प्रकार से किया जाता है, ये आप व्याख्या कीजिए। दोस्तों माइकलसन इंटरफेरोमीटर लॉन्ग टाइप में पूछा जाता है, हर यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछी है, चाहे वो अवध विश्वविद्यालय हो, चाहे वो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय हो, चाहे वह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी यानी इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी हो, या फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, या फिर आपका वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, आजमगढ़ विश्वविद्यालय, जहाँ सब में ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइम में पूछा जाता है। तो 10 नंबर आपका यहीं से पक्का हो जाएगा, 100% इस क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा। इसका वर्किंग और कंस्ट्रक्शन विथ फिगर आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है और 100% ये आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, डिफाइन द आइंस्टीन ए एंड बी कोएफिशिएंट एंड डिस्कस दियर फिजिकल सिग्निफिकेंस, ड्राइव ए रिलेशन बिटवीन दीज कोएफिशिएंट्स। आइंस्टीन के ए और बी गुणांक को परिभाषित करें और उनके भौतिक महत्व पर चर्चा करें, इन गुणांकों के बीच में जो संबंध भी उत्पन्न होता है उनको आप ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया। आइंस्टीन ए एंड बी कोएफिशिएंट एंड दियर फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये 100% इस बार आपके एग्जाम में आएगा और ये भी 10 नंबर के लिए ही आता है। तो 20 नंबर आपका यहीं से पक्का हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर आपका यहीं से कंफर्म हो जाएगा, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट BBIP प्रश्न है, ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये 12 प्रश्न थे जिनकी चर्चा मैंने कर दी, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने डिस्कस कर दिया है। सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा, सेम प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। PDF अगर आप चाहते हैं दोस्तों तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर, वहाँ से डाउनलोड कर दिए SP स्टडी पॉइंट का मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है।
SBS स्टडी पॉइंट आप सर्च करेंगे और प्ले स्टोर पर वहाँ पर ऐप मिल जाएगा जहाँ से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।